हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में बहुत ही ताज़ी ताज़ी और हरी हरी सब्जियां खाने को मिलती है, तो आज इन्हीं सब्जियों से मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेजिटेबल सूप। इन सब्जियों से हम कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो आज मैं उन्हीं में से आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए सबसे पहले इन सारी सब्जियों को हमने धो लिया था। धोने के बाद इन्हें हमने चॉपर में कट कर लिया है। यहाँ पर हमने लिए है एक छोटी कटोरी गाजर, ब्रोकली, मटर, सफ़ेद फूल गोभी, टमाटर, हरी पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और साथ में ये फ्रेंच बीन्स। इन सारी सब्जियों को हमने पहले चॉपर में चॉप कर लिया, क्योंकि जब इन सब्जियों को हम बड़ी बड़ी कट करते हैं तो जब इनका सूप बनाते हैं तो बच्चे इन्हें खाते नहीं है, क्योंकि जब मुंह में बड़े बड़े टुकड़े आते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने इन्हें चॉपर में चॉप किया है। आपको जो सब्जियाँ पसंद हो आप उन सब्जियों को और ऐड कर सकते हो, और जो सब्जियाँ आपको पसंद ना हो उन्हें आप स्किप कर सकते हो। और यहाँ पर हमने कुछ लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, लहसुन की हरी पत्तियाँ, सफ़ेद लहसुन, जो हरी लहसुन होती है उसकी सफ़ेद वाली जो लहसुन होता है वो वाला, और हरी मिर्च और हरा धनिया और आधा नींबू। झटपट से हम रेसिपी शुरू कर लेते हैं। गैस को ऑन करके हमने यहाँ पर एक कढ़ाई रख दी है, और इसमें हम डाल देते हैं एक छोटा टुकड़ा बटर का। आप चाहें तो यहाँ पर बटर की जगह ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, पर बटर से जो टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही बटर गर्म हो इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ अदरक, 1 सेकंड भूनेंगे, और लहसुन वाइट वाला पार्ट जो लहसुन का उसे डाल देते हैं, जैसे ही हल्का सा भून लेते हैं, और हरी मिर्च इसे भी हल्का सा भून लेते हैं, ये वाले लहसुन की पत्तियां हैं उसे भी हम डाल देते हैं, इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर हमें भुनना है, बस इनका कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तभी इसका टेस्ट है काफ़ी अच्छा आता है। जब हल्का सा ये भुन जाए तब इसमें हम डाल देंगे सारे जो वेजिटेबल्स जिसे हमने अभी कट करके रखा है, ब्रोकली, मटर, सारी चीज़ों को हम एक साथ ही डाल देंगे। गाजर, फ्रेंच बीन्स, शिमला मिर्च और ये पत्ता गोभी और टमाटर, इन सब्जियों को हम 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए सारी सब्जियों को भून लेंगे। अब इस सब्जियों में हम अभी नमक नहीं डालेंगे, नमक से जो सब्जियां हैं वो पानी छोड़ने लगती हैं। अब इन्हें हम 1 मिनट के लिए इसी प्रकार से भून लेंगे। 2 मिनट अच्छे से भून लेने के बाद मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, इन्हें हम चेक कर लेते हैं। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा इन्हें हमें कच्चा ही रखना है। इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है, 2 कप पानी लिया है। आप जितना सूप लेना चाहते हैं उतना पानी डाल दीजिए। यहाँ पर पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना सूप आपको चाहिए। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से चला लीजिए। पानी डालने के बाद इसमें उबाल आने लगा है। जैसे ही उबाल आने लगे इसमें हम डाल देंगे नमक, क्योंकि नमक अभी तक हमने डाला नहीं है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेंधा नमक लिया है, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और इसे मिक्स कर देंगे। जैसे ही उबाल आने लगे इसे हम कवर करके 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाएंगे, ताकि जो सब्जियों का फ्लेवर है पूरे सूप में आ जाए। 5 मिनट हो गए हैं, अब इधर हम ढक्कन को हटाकर चेक कर लेते हैं, इसे चला लेते हैं। जो सूप है वो ऑलमोस्ट बन गया है। अब इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटा सा टुकड़ा बटर का। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते हैं तो बटर को स्किप कर दीजिए, लेकिन बटर से जो सूप का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। सूप को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर,
इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी और इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। ये हमारा कॉर्नफ्लोर का घोल बनकर तैयार है। अब घोल को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसे लगातार चलाते रहना है। कॉर्नफ्लोर से सूप में गाढ़ापन आता है और टेस्ट में तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और साथ में ही इसमें हम डाल देते हैं एक छोटा चम्मच सोया सॉस और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि जो सूप का कलर है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है इससे। अगर आपके पास सोया सॉस ना हो तो आप इसे स्किप करते हुए भी सूप बना सकते हैं। ये देखिए हमारा जो सूप है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब इधर हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं बंद। फिर इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया। फ्रेंड्स, अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सूप हमारा बनकर तैयार है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखते रहिए मेरे चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय।